झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक। आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वाच के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल। देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया, क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नागरिकों की समस्याओं को रूबरू करवाते हैं उन्हीं के वार्ड के नगर सेवकों से और बताते हैं आपकी ही समस्याओं को। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं प्रभाग क्रमांक 22 के नगर सेवक मनोज चापले सर। सर सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इन विजन की इस खास पेशकश नगर सेवक आपके द्वार इस कार्यक्रम के तहत हम आपकी ही समस्या से आपके वार्ड के नगर सेवक को रूबरू करवाते हैं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आपके जो वार्ड हैं वहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसका अभी तक निवारण नहीं हो पाया है। सर सबसे पहले तो ये बताइए, आप हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं। मैं मनोज चापले, प्रभाग 22 का नगर सेवक आपने मुझे चुन के दिया। मैं राजकारण में आने से पहले सामाजिक सेवा में ज़्यादा महत्व देता था। समाज सेवा के माध्यम से राजकारण में मेरी एंट्री हुई। बचपन से ही समाज सेवा का जो मेरा मोटिव था उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसी समस्या थी कि राजकारण में अगर समाज सेवा होती है तो उसको राजकारण से भी जुड़ना जरूरी होता है, तभी लोगों की समस्या है आप छुड़ा सकते हैं। इस वजह से मुझे राजकारण में उसमें एंट्री हुई। मतलब 80% आप सामाजिक सेवा करते हैं और 20% आप राजनीति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। सर ये बताइए, आपके हर नगर में जो है वो समस्याएं अलग अलग होती हैं जिसके निवारण के लिए लोग भी प्रयास करते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि अभी जो आप जैसे एरिया के नगर सेवक हैं वो एक्चुअल में बहुत कंजेस्टेड एरिया है, मार्केट एरिया होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कौन सी अभी मुख्य समस्या है जिसको आप निवारण नहीं कर पा रहे? नहीं, अभी तो लगभग जैसे हम चुन के आए थे जी, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या पानी की थी और OCW का काम भी चल रहा था, मगर फिर भी कुछ जगह में पानी नहीं पहुंच पा रहा था। बिल्कुल, कुछ जगह में आधा घंटा पानी आता था। मंगलवारी हमारे प्रभाग में ऐसा क्षेत्र है वो जो एरिया कंजेस्टेड भी है जी, और वहाँ पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। तो जिस दिन मैं चुन के आया उसी दूसरे दिन मंगलवारी का डिपुटेशन आया। सुबह गुलाल लोगों ने लगाया था, गुलाल निकलने का ही था। सुबह 50-60 लोग सुबह आए, उन्होंने कहा कि भैया हम 6 साल से इस पानी की समस्या से जूझ रहे, तो आप हमको इस समस्या का निवारण कर दीजिए। तो मैंने दूसरे दिन सभी अधिकारियों से, मेरे उस टाइम में परिचय होने का था चुन के आने के बाद में, दूसरा ही दिन था। तीसरे दिन मैं महानगर पालिका गया, अधिकारियों से बात किया। OCW के अधिकारी और महानगर पालिका के डेलीगेट्स ये जो सब थे, उनको मैंने मंगलवारी में बुलाया जी। उनको पूछा कि यहाँ पे नेचुरल सोर्सेस है, बहुत बड़े कुएं है, अगर यहाँ उनको अगर ये OCW पूरे तरह से पानी नहीं दे सकती है तो यह जो कुएं है उनका अपन अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अधिकारी को आदेश दिया, वो कुएं साफ करवाए, उसमें एक नेटवर्क किया जी। जो मंगलवारी के एरिया में उसको कुएं से लगभग 200 कनेक्शन वहां से दिए गए और हर घर पानी पहुंचाने की कोशिश शुरुआत में पहले महीने में हमने की। अच्छा। और जितने भी प्रभाग में कुएं थे तो ये 19 कुएं थे, उस 19 कुएं में से मैंने 16 कुएं साफ करके सभी कुएं में नेटवर्क करके घर घर पानी पहुंचाने की उस टाइम में कोशिश की। अच्छा। कोशिश यानी पूरा प्रयास कर घर तक के पहुंचाया। ये बहुत बड़ी बात है सर, एक आइडिया देना और उसमें अमल करना ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है। सर ये बताइए कि जैसे अपने नगर को और भी विकसित बनाने के लिए आपने इस तरह की कुछ तरकीबें जो अपनाई है उससे लोगों को बहुत फायदा पहुंचा है, अभी आप मुझे बताइए कि कुछ और आने वाले दिनों में आप इसमें और कर सकते हैं कुछ डेवलपमेंट के काम? मुझे डेवलपमेंट का, मैं आया इसलिए। अच्छा। मुझे इंटरेस्ट था कि अपना जो प्रभाग है बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था जी। हमारे प्रभाग में नगर सेवक भी थे तो बहुत ज्यादा बाहर बाहर के नगर सेवक थे जो उस एरिया में काम नहीं कर सकते थे, तो मुझे जिद थी कि मैं जैसे ही चुन के आऊंगा तो सबसे ज्यादा पूरा समय में विकास कार्यों में दूंगा। तो सबसे पहले मैंने जिस अधिकारियों को बैठ के जिस जो रोड हमारे एरिया में खराब थे, जो कोई योजनाएं जो अटकी पड़ी थी उनका सबका ब्यौरा लिया, उसके बाद में उसकी फाइलें बनाना चालू किया, उसमें वर्क करना चालू किया,
हमारे एरिया में एक भी सीमेंट रोड नहीं था जब मैं चुन के आया। आज अगर आप सर्वे करेंगे तो पूरे संपूर्ण एरिया में आपको सीमेंट रोड दिखेंगे। बिल्कुल। जो कुछ रोड बंद कर दिए गए थे ट्रांसपोर्ट वालों के वजह से, वो रोड खोल के उनको फिर से सीमेंट रोड पूरा बना के लोगों के लिए चालू किए। सर, हम बात कर रहे थे विकास कार्य की, तो अभी तक आपके कार्यकाल में जो है वो कौन से विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य तो बहुत सारे हुए, सीमेंट बने हैं, बहुत से जो गार्डन्स थे उनको बनाया है, पर एक बड़ा प्रोजेक्ट अपना नागपुर महानगर पालिका का दवाखाना था देवड़िया। तो उस देवड़िया दवाखाना 20 सालों से बंद है और उसको फिर से चालू करने की वहां जनता की जो डिमांड थी उसको मैंने सबसे पहले जब चुन के आया तो वो सबसे पहला विषय मैंने हाउस में लगाया। लोगों का कहना था कि हमारा जन्म यहाँ, तो उनकी इच्छा थी कि हॉस्पिटल फिर से चालू हो, ये मेटर्निटी हॉस्पिटल फिर से चालू हो, उसकी सुविधा लोगों को मिले, इसलिए सबसे पहले हाउस में विषय लगाया, विषय को मंजूर किया। एनएमसी स्टैंडिंग चेयरमैन को भेजा गया, पर उसको उन्होंने बोला कि इतना जो फंड है हम इसके हॉस्पिटल के लिए महानगर पालिका नहीं दे सकेगी। तो मुझे, मैं इस टाइम में सभापति था, हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे तरफ था, तो मुझे कुछ आइडियाज़ थी जी। तो मैंने उस आइडियाज़ को, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मालूम थे, तो मैंने वो प्रोजेक्ट को, मैंने NUHM के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को वो प्रोजेक्ट भेजा। तो उसके पहले सबसे पहले वो 13 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, फिर उसको और कुछ दुरुस्ती करते वो 17 करोड़ का बना, फिर कोरोना कार्यकाल चालू होने की वजह से सब काम लटका पड़ा रहा, और आज वो टोटल प्रोजेक्ट 33 करोड़ रुपए का वो हॉस्पिटल आज पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, वो मंजूरी के लिए गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने उसको मंजूरी दे दी है, और हॉस्पिटल के संपूर्ण परिसर के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूर निधि हो गई है। ये बड़ा काम हमारे प्रभाग में आया है। दूसरा बड़ा काम माननीय नितिन जी गडकरी साहब, उनके माध्यम से हमारे गरबा मैदान में स्कूल थी वो जो बंद पड़ी थी, वह बच्चों के लिए जैसे साइंस के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए रिसर्च करने के लिए एक लेबोरेटरी की जरूरत थी। अच्छा। तो उसको वो स्कूल में लाया गया, क्योंकि आखिरी जो स्कूल का है तो लेबोरेटरी बोले तो भी वो यानी एजुकेशन का ही मार्ग हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी हिसाब से उसको लेबोरेटरी को यहाँ लाया गया, और 48 करोड़ का प्रोजेक्ट उसको वो भी दिशा में यानी उसकी शुरुआत हुई है, उसके लिए भी लगभग मंजूरियां मिल गई है, और वो बड़ा प्रोजेक्ट। और दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट जो है ये अग्निशमन का प्रोजेक्ट है जो लखड़गंज में है, उसको भी 17 करोड़ रुपए के आसपास की मंजूरी लगभग ये प्रोजेक्ट के लिए हुई है। मतलब सर, आपके कार्यकाल में विकास के तो बहुत करोड़ों के काम हो गए हैं, ये ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि 5 साल में से आपके कार्यकाल में 2.5 साल तो कोरोना की भेंट चढ़ गई, और रही बचे 2.5 साल, इसके बावजूद आपने 2.5 साल में भी काफी जो है डेवलपमेंट के काम जो है अपने एरिया में करे। सर, ये बताइए कि कोरोना काल कैसा रहा आपके लिए? कोरोना काल आज हमारा जब हम जब चुन के आए तो हमें लगता था कि हमको 5 साल मिलेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत काम के लिए निकलेंगे, जितने लोगों की समस्या ज्यादा से ज्यादा दूर करने की कोशिश करेंगे, पर ये इतनी बड़ी महामारी देश में पूरे वर्ल्ड में हुई, उसमें आप देखा होगा कि कितने लोग अपने नजदीकी लोग उसमें चले गए और अपने सगे संबंधियों को हमने खोया है। पर उस कार्यकाल में जिस तरह से वातावरण था, लोग निकल नहीं रहे थे बाहर, सबको घर में रहने के लिए ये किया जा रहा था, प्रतिबंधित किया जा रहा था, और उस कार्यकाल में अगर हम लोग अगर घर में रहते तो हम जनता को जवाब दे नहीं पाते, तो हमने किया कि कुछ भी हो जाए हमारी जान भी चली जाए, पर कोरोना कार्यकाल में हम लोग, हमको निकलना जरूरी है, लोगों की मदद करना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने अपना कम्युनिटी किचन शुरू किया, उसमें सुबह हम जो चिंतेश्वर मंदिर, जलाराम मंदिर, जो सुबह बेचारे जो भिखारी लोग जो बैठे थे, जो जिनको देने की जरूरत, उनको सुबह 100 लोगों का नाश्ता उनके लिए बना देते, 1 बजे 500 लोगों का खाना बनाते थे, कुछ लोग टिफिन भर के लेके जाते थे, तो कोई एरिया में हम जाके बांटते थे, और रात को वही शेड्यूल हमारा रहता था। ये सिलसिला कब तक चला? ये 2.5 महीने कम से कम हमने कम्युनिटी किचन चलाया, और उसके बाद भी हम लोग रात को रोज बैठ के 100 किट रोज बनाते थे, और एक दिन के आड़े ऐसे 100 किट बांटते थे, ऐसे 1800 किट हमने लोगों के लिए बनाई, और हमने लगभग लोगों की मदद से, हमारे व्यापारियों की मदद से हमने 23 टन अनाज वहाँ जमा किया और उस लोगों में उसको वितरित किया, और कुछ हम लोगों ने भी जो हो सकता है हमने अपने तरफ से किया। जी जी सर, ये तो रही आपके कोरोना की बात।
जी, और उसमें रात को जो वक्त मिलता था तो हम सैनिटाइज करने फायर ब्रिगेड की गाड़ा बुला के 12-1 बजे तक हम एरिया सैनिटाइज करने के लिए, दवाई का भी वितरण किया और सैनिटाइज करने के लिए भी एरिया करने के लिए निकल जाते थे हम रात को 12 से 1 बजे तक। सर ये बताइए कि अपने वार्ड से संबंधित जो आपके वार्ड में बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए गार्डन होते हैं, लेकिन आजकल देखा है कि गार्डन जो है वो बुजुर्ग और फैमिली के लिए कम, बाकी यंग जनरेशन उसका ज्यादा यूज करती है, तो उनके लिए क्या किया आपने गार्डन का? कैसा है जो गार्डन लखड़गंज हमारे इसमें परिसर में लखड़गंज जो गार्डन आता है, दूसरा एक मोचीपुरा गार्डन आता है और एक इधर में कड़ू उद्यान आता है, ऐसे 3 गार्डन हमारे प्रभाग में आते हैं। तो कड़ू उद्यान का भी उस टाइम में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बैठने के लिए वहाँ व्यवस्था की गई है। लखड़गंज गार्डन क्या होना है, वो जो एरिया लेबर का होने के वजह से उसको पूरा दिन भर इसलिए खुला रखते थे कि जो लेबर काम करे तो वो गार्डन में बैठ सके और बुजुर्ग भी वहाँ आके बैठ सकते। अच्छा। वहाँ भी बुजुर्ग लोगों के लिए बैठने की भी व्यवस्था है और अपन वो ग्रीन जिम वगैरह वहाँ सब उसकी व्यवस्था की है, लाइब्रेरी भी वहाँ पे गार्डन में रखी हुई है और म्यूजिक संगीत का भी सिस्टम यहाँ लगा है कि लोग वहाँ अच्छी तरह से बैठ सके और एंजॉय कर सके, बुजुर्ग लोग भी एंजॉय कर सके और बाकी लड़के भी लोग और जो लेबर क्लास होते वो भी वहाँ बैठ सके, ऐसी व्यवस्था हमने वहाँ की है। सर हमने सुना है कि नगर में पानी और कचरे की भी समस्या है जिसे हटाने के लिए आप एज ए नगर सेवक क्या उपाय करते हैं? हमने सुना है कि एक एक दिन के बाद कचरे की गाड़ी आती है, तो कुछ इस प्रकार की समस्या आई है आपको? नहीं, हमारे प्रभाग में ऐसी तो कुछ समस्या नहीं, क्योंकि हम उसके लिए बिल्कुल अलर्ट रहते हैं और हम हर बात में जो सुपरवाइजर होते हैं उनसे सुबह से बात करते हैं कि जितने भी हमारे वो स्पॉट जो है जहाँ वो कचरा डालते हैं अब तो लगभग बंद कर दिए गए हैं। और मैंने कम से कम खुद इनिशिएटिव लेके 7 स्पॉट ऐसे थे जो लोग वहाँ पे ऐसा कचरा डंप करते थे, ये सब स्पॉट मैंने बंद कर दिया है। वहाँ पे कैसा रोज के एक आदमी को खड़ा करके, जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट में आदमी है जिसको खड़ा करके उनको कैसे चालान जो कचरा डाल उनको देना, इस वजह से ऐसे 7 स्पॉट मैंने बंद कर दिए। गंगा जमुना में एक ऐसा स्पॉट था कि वहाँ एक पार्किंग मैंने लोग वहाँ बहुत आते थे और जैसा यूरिन वगैरह करके पूरा जो है उस तरह से वातावरण बहुत खराब था, तो मैंने वहाँ पे भी साफ सफाई करके किसी को एक व्यक्ति को वहाँ बैठा के उसको रोजगार देके बोला, तो तब वो भी स्पॉट जो बहुत ज्यादा गंदा था ऐसे स्पॉट बंद करने की कोशिश मैंने पूरी तरह से की। सर आपने अभी गंगा जमुना की बात की, आपके ही प्रभाग के अंतर्गत गंगा जमुना आता है और आपको भी पता है कि गंगा जमुना का जो मुद्दा है वो कई सालों से चला आ रहा है और अभी हाल ही के दिनों में वो जो मुद्दा है बहुत ज्यादा गर्माया था। क्या लगता है आपको, एक रेसिडेंशियल एरिया में जो एरिया उन्हें दिया गया है पर्टिकुलर एरिया, तो वहाँ पर आने जाने वाले जो नागरिक हैं कॉमन नागरिक उनको बहुत समस्या होती है, उनके लिए क्या उपाय योजना किया आपने? ये गंगा जमुना हटाने जो हमारी समिति बनी थी, मैं इस आंदोलन में 20 साल से जुड़ा हूँ जो हटाओ समिति के आंदोलन में जी, और 2015 से मैं इस समिति का अध्यक्ष हूँ। तो हमने कई आंदोलन चलाए, 2015 में हमने माननीय गडकरी साहब देवेंद्र हमारे उस टाइम में मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस थे। आपके आंदोलन का मेन मुद्दा क्या था? ये आंदोलन का मेन मुद्दा ये था कि कैसा है जहाँ आने जाने वालों को बड़ी तकलीफ होती है, वहाँ रेसिडेंशियल एरिया होने की वजह से जो बाहर के लोग आते हैं वहाँ MP छत्तीसगढ़ जो आजू बाजू के स्टेट है वहाँ के लोग बहुत ज्यादा आते हैं, उनकी रात को गाड़ियां हमारे घर के सामने में कार पार्किंग होती है, हमारे घर के आजू बाजू के लोगों को वही नजर से देखा जाता है, ऐसा उनको लगता है कि यही लोग व्यवसाय करने वाले है, इस तरह की परेशानियां है, बच्चियां खुलेआम नहीं घूम सकती है, बच्चे खुलेआम नहीं खेल सकते हैं, उनको कैसे वहाँ क्राइम ऐसा बड़ा है कि जो तड़ीपार लोग होते हैं वहाँ वो शरण लेते हैं गंगा जमुना सरी के एरिया में, वहाँ तलघर है वो अपनी तड़ीपारी वहाँ सालों साल काटते हैं और वहाँ क्राइम बड़ा है, लोगों की बहुत तकलीफें बड़ी है, वहाँ की लड़कियों की शादी होना इतना आसान नहीं है, कोई भी अगर आता है तो अगर गंगा जमुना बोले तो उनको लगता है कि ये लोग उससे से जुड़े होंगे, ऐसी लोगों की धारणा है, तो वहाँ की लड़कियों की शादी में भी बड़ी तकलीफ है, ऐसी बहुत कुछ समस्या हमको उस वजह से है। जी जी जी, तो सर समस्याएं तो उन लोगों को भी होगी, तो क्या उनकी समस्याएं सुनने का कभी आपने कोशिश नहीं किया? नहीं, हमने उनकी समस्या सुनने की कोशिश की, उसके लिए उनको हमने डेपुटेशन भी दिया, गडकरी साहब को भी बताया मैंने कि 2015 में गडकरी साहब और देवेंद्र जी फडणवीस को हमने रविभवन में उनसे मुलाकात की, हमने 300-400 लोगों का डेपुटेशन लेके गए, उनको समझाया कि इनको रोजगार दीजिए जी, माननीय गडकरी साहब ने उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय जिलाधिकारी उस टाइम में थे उनको बोला कि इनको रोजगार की आप योजना जो होंगी वो लागू कीजिए, तो गडकरी साहब ने उनके लिए 2.5 करोड़ रुपए मंजूर किए और जिलाधिकारी को बोले कि इनको रोजगार आप किस तरह से दे सकती हो उसकी एक योजना तैयार करो जी। तो उन्होंने योजना तैयार की, इनकी मीटिंग ली गई, उसमें 237 सेक्स वर्कर वहाँ आई, उनकी मीटिंग हुई और वो सेक्स वर्कर को पूछा गया कि आपको ये रोजगार करना है तो आपको अगर 10,000 से 12,000 रुपये महीना मिले तो आपको चलेगा क्या?
तो उसी किसी महिला ने वाह हाथ खड़े नहीं किए, सिर्फ दो महिला उसमें तैयार हो गई कि मैं ऐसे रोजगार करने के लिए तैयार हूँ, बाकी 235 महिलाओं ने उसको इनकार किया। तो हमने ये कोशिशें की कि उनको रोजगार मिले, वो भूखे ना मरे, हर प्रकार के मूलभूत सुविधाएं। और आप ये भी जानो कि हमने कोरोना काल में भी उनको अनाज पहुंचाया, हमने उनको खाना पहुंचाया, कोरोना काल में भी हमने उनको ध्यान रखा है। ऐसा नहीं कि वो मानवता के आधार पर हमने उनका काम किया है, पर जिस तरह से उस एरिया का वातावरण खराब हुआ, तो हमारा यही कहना है प्रशासन को कि उनको ऐसे जगह बैठाया जाए, उनकी सुरक्षा हो, व्यवसाय भी कर सके और लोग वहाँ जा सके। ये शहर के बीच में होने से वजह से क्या हो गया कि मध्य पूर्व और उत्तर नागपुर को जोड़ने वाला वो रास्ता है, तो बहुत ज्यादा परेशानी है इसमें। सर ये बताइए कि अभी जैसा आपने रास्ते की बात की, तो जिस प्रभाग में आपका एरिया आता है वो सबसे ज़्यादा मार्केट एरिया और कंजेस्टेड एरिया है, तो ऐसे एरिया में ये जो नॉन पार्किंग वाली चीज़ें आती हैं वो खैर अभी तो आम हो गई, लेकिन बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके वजह से होती है, जैसे सड़क दुर्घटनाएं होती है, और उसके लिए आप क्या उपाय योजना करते हैं? मैं भी महानगर पालिका के बहुत सी जगह खाली है जी, तो महानगर पालिका ने पार्किंग की व्यवस्था करना चाहिए। उनको हमने कई बार बोला है, आप इतने बड़े बड़े व्यवसाय है, इतने बड़े बड़े काम है, उनको सबसे पहले पार्किंग के लिए उनको बोलिए। जैसे नंदनवन के तरफ में जैसे बड़े बड़े हॉल थे तो उनकी पार्किंग नहीं होने की वजह से बंद कर दी गए, वैसे अगर कोई बड़ा उद्योग है, बड़ा कोई व्यवसाय यहाँ होता है, अगर उसको पार्किंग नहीं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि पार्किंग होना बहुत जरूरी है। पार्किंग न होने की वजह से रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को जाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। तो महानगर पालिका ने इस तरह का एक विचार करना, यानी उन्होंने एक योजना तैयार करना चाहिए कि जहाँ जहाँ मार्केट है वहाँ पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए और उनकी खुद के जगह पे। आजकल तो आपको मालूम है कि पूरे जैसे पूरी फ्लोर मन की पार्किंग होती है, उस तरह से व्यवसाय व्यवस्था महानगर पालिका कर सकती है और उससे पैसा ले सकती है लोगों से, और इस तरह से रोड दुर्घटनाएं जो होती है वो भी कम हो जाएगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सर आखिरी सवाल हमारा हमारे दर्शकों के लिए कि अगर एक बार फिर आपके वार्ड के नगर से जो जनता है वो आपको नगर सेवक के पद पे चुन के देती है, तो आपका काम क्या होगा सबसे बड़ा? बिल्कुल, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मानूंगा, उन्होंने पहले बार मुझे चुन के दिया, उनके लिए काम करने का अवसर दिया। अगर वो मुझे फिर से चुन के देते हैं तो मैं निश्चित जो काम बचे हैं, जो हम कर नहीं पाए, वो कुछ कोरोना के वजह से नहीं कर पाए, कुछ फंडिंग के वजह से नहीं कर पाए, तो निश्चित पूरी तरह से वो काम करने की और आप लोगों को रिलीफ करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हम जनता के सेवक हैं और जनता के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। क्या बात है सर। दोस्तों इन बिसन की खास मुलाकात नगर सेवक आपके द्वार इस कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए थे प्रभाग क्रमांक 22 के नगर सेवक मनोज चावले सर। सर एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक नगर सेवक को काम करने के लिए जनता का भी सहयोग बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि नेता नहीं समाज सेवक चुनिए, जो आपकी सुने आप उनकी सुने, हर पल रहेगा एक ही प्रयास, नगर की तरक्की नगर का विकास। इन बिसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं रूपा पंडित देती हूँ आपको इजाजत, आप देखते रहिए इन बिसिन न्यूज। नमस्कार। झूठ के तह तक जाकर पहुंचाएंगे आपको सच्चाई तक, आपको मिलेंगे आपके हर सवाल के जवाब, क्योंकि आपके वार्ड के नगर सेवक से करेंगे हम सीधे सवाल, देने होंगे उनको सभी सवालों के जवाब। क्या कहता है ये 5 साल का अनुभव, क्या किया क्या कर सकते थे, ऐसी तमाम बातों की चर्चा के लिए हम आपके सामने ला रहे हैं हमारा नया कार्यक्रम नगर सेवक आपके द्वार।